खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार का संकट गहरा गया है। सरकार बनाने के लिए सिर्फ कल तक का वक्त बचा है, लेकिन अब तक किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। और बिल्कुल साथ चुनाव लड़ने वाली जो बीजेपी है और शिवसेना, वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी है। दोनों ही पार्टियां आगे नहीं आ रही है, चूंकि बहुमत का आंकड़ा दोनों के पास नहीं है। अब सवाल तो सिर्फ यही खड़ा होता है कि आज महाराष्ट्र में क्या होगा। और शिवसेना एक तरफ ऑपरेशन कमल से डरी हुई है, उसने अपने सभी विधायकों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया है, रंग शारदा होटल में शिफ्ट कर दिया, और वहीं पर सभी शिवसेना के विधायक हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि अब सिर्फ सरकार बनाने के लिए आपके पास एक दिन का वक्त बचा है। बिल्कुल, और खबर यह भी है कि शिवसेना के जो विधायक हैं रंग शारदा होटल में जो ठहरे हैं, उनके फोन तक उनसे ले लिए गए हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है। इधर बीजेपी भी सरकार को लेकर खामोश है। कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एडवोकेट जनरल से ताजा हालात पर सलाह ली। अगर कल तक सरकार नहीं बनी तो माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो सवाल यही बना हुआ है कि महाराष्ट्र में क्या होगा, क्या सरकार बन जाएगी या फिर लगेगा राष्ट्रपति शासन। शिवसेना को ऑपरेशन कमल का खौफ है, यही वजह है कि अपने विधायकों को रंग शारदा होटल में टिकाया हुआ है, फोन्स तक ले लिए गए हैं शिवसेना विधायकों के। और इस बीच निगाहें देवेंद्र फडणवीस पर है। शिवसेना 50-50 की मांग पर अड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के साथ साझा नहीं करना चाहती है। निगाहें राज्यपाल पर भी, कल एडवोकेट जनरल से उन्होंने सलाह ली। सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र में कल तक सरकार बन जाएगी या लगेगा राष्ट्रपति शासन, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा सुलझ नहीं रहा है। किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा ज्योति पेश नहीं किया। बिल्कुल, शिवसेना का हठयोग एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ ये लग रहा है कि क्या फडणवीस आज इस्तीफा देंगे अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है। क्या हो सकता है महाराष्ट्र में, क्या विकल्प इस वक्त सामने है? आइए आपको दिखाते हैं कि विकल्पों पर विचार करते हैं कि आखिर क्या विकल्प इस वक्त सामने है। तो देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस इस वक्त सामने हैं। क्या तो सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या हो सकता है महाराष्ट्र में। पहला विकल्प देखिए आपके सामने, बीजेपी सरकार का दावा पेश करे, बाद में बहुमत साबित करे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बीजेपी ने सरकार का दावा पेश नहीं किया। दूसरा क्या हो सकता है, शिवसेना सरकार बनाने का दावा पेश कर दे और कांग्रेस और एनसीपी उसे समर्थन दे दे जब फ्लोर टेस्ट का वक्त आए। तीसरा विकल्प देखिए, बीजेपी शिवसेना में सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाए जैसा कि पहले था और सरकार बन जाए। क्या ऐसा होगा कि मुमकिन अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि शिवसेना अड़ी हुई है। चौथा विकल्प देखिए, कोई दावा ना पेश करे और फिर लग जाए राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो ये चार वो विकल्प जो हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र में, क्योंकि यही अब चार विकल्प बच जाते हैं अमांद्रा। और ज्योति, इस बीच शिवसेना के जो तेवर है ना वो नर्म नहीं पड़ रहे हैं। संजय राउत ने आज ट्वीट कर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है और दिलचस्प ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के जरिए ये निशाना साधा गया है और शिवसेना की रणनीति बताई गई है। संजय राउत ने क्या ट्वीट किया आपको दिखाते हैं। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए, अर्जुन की तरह उद्घोष करें, ना दैन्यम न पलायनम अटल बिहारी वाजपेयी। ना दैन्यम न पलायनम यानी कि कोई दीनता नहीं चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि जूझना जरूरी है। तो एक बार फिर एक कविता के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं संजय राउत। बिल्कुल, आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस बार के चुनावी नतीजों के बाद क्या अंकगणित सामने आया था। यानी कि 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को जब नतीजे आए थे तो फिर उस वक्त क्या तस्वीर उभर कर सामने आई थी। बीजेपी 105 सीटों पर थी, शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44 और बहुमत का आंकड़ा था 145 का। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 का था। अब देखिए अब क्या हो सकता है, अगर बीजेपी 105 शिवसेना 56 तो 161 हो जाता है ये आंकड़ा मिलाकर के, बहुमत 145 है, आप आराम से सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन शिवसेना अड़ी हुई है, शिवसेना कह रही है 50-50 का फॉर्मूला, याद दिला रही है यही बात कह रहे थे कि चुनावों से पहले हुई थी, लेकिन अब बीजेपी अपने वादे को भूल गई है। अब देखिए शिवसेना के 56, एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44 मिल जाएंगे तो यह आंकड़ा 154 का बैठेगा, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा, बहुमत के 145 के आंकड़े से नौ ज्यादा का। तो यह भी एक सरकार बनाने की सूरत हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा। एनसीपी लगातार कह रही है कि हमें तो
जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, हम विपक्ष में ही बैठेंगे, क्या अंदर खाने, क्या बैक चैनल कोई बातचीत चल रही है, ये भी एक सवाल है हमारा। बिल्कुल, अब देखना है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा या सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो क्या वो बिना बीजेपी के बनेगी। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, और इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी लगातार बीजेपी पर गर्म और शिवसेना पर नर्म है। थोड़ी देर पहले एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेल मोदी शाहजी की जोड़ी, दिल्ली से महाराष्ट्र की सत्ता की बागडोर चलाना चाहती है। महाराष्ट्र का अपमान जनता सहन नहीं करेगी, दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र नहीं झुकता, ये इतिहास है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस वक्त महाराष्ट्र पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्या होगा, सरकार बनेगी या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीती रात तक जो है बीजेपी की ओर से कोशिश जारी रही कि शिवसेना को मना लिया जाए, शिवसेना से बातचीत की जाए, लेकिन जैसा कि बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि शिवसेना की तरफ से बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जा रही थी। उद्धव ठाकरे किसी भी बीजेपी के नेता का फोन नहीं उठा रहे थे, और ना तो शिवसेना की तरफ से दूसरे किसी नेता ने बीजेपी से बातचीत की, और डेडलॉक जो है बीती रात तक बना हुआ था। दोनों ही पार्टियों के बीच किसी तरह की बातचीत सरकार बनाने को लेकर नहीं हुई है। अब अगर आज सुबह तक कोई खबर निकलकर नहीं आती है, दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है, तो ऐसे में बीजेपी ये मान लेगी कि अब शिवसेना से समर्थन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, दोनों पार्टियों की गठबंधन सरकार नहीं बन सकती है। ऐसे में तकनीकी तौर पर चूंकि सरकार की मियाद जो है खत्म हो रही है, तो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, और इसके बाद बॉल जो है गवर्नर के कोर्ट में चली जाएगी और गवर्नर को अगला फैसला लेना होगा। गवर्नर कर ये सकते हैं कि गवर्नर हो सकता है कि औपचारिक तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे, ये कहते हुए कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप सरकार बनाइए और आपको जो मियाद दी जाती है उस दौरान जो है आप बहुमत का आंकड़ा जुटाइए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर बीजेपी इनकार करती है तो फिर शिवसेना को मौका मिल सकता है। पहले ही एनसीपी ने ये ऐलान कर रखा है एक तरह से कि हम शिवसेना को समर्थन देने को तैयार हैं, बशर्ते खुद शिवसेना अपनी ओर से हमारे पास ऐसा प्रस्ताव लाए। एनसीपी ने यहाँ तक कहा कि हम कांग्रेस को भी इसके लिए मना लेंगे, और हमें कांग्रेस के सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो ये है कि कांग्रेस के भी बड़े पैमाने पर विधायक बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो अगर बीजेपी शिवसेना सरकार का विकल्प नहीं होता है तो उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन ये सारा कुछ निर्भर करता है गवर्नर के ऊपर कि वो क्या रुख अपनाते हैं। हो सकता है कि अगर कोई भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वो केंद्र को एक रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो शिवसेना को ऐसा भी डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल जाए और उसके बाद आंकड़े जुटाने के लिए बीजेपी शिवसेना में सेंधमारी करने लग जाए या दूसरी पार्टियों में सेंधमारी करने लग जाए, इसलिए शिवसेना ने किया ये कि कल दोपहर को जब उद्धव ठाकरे के घर पर बैठक हुई उसके बाद से सारे विधायकों को पास ही के रंगशारदा होटल में ठहर जाने के लिए कहा और ये कहा कि अगले निर्देश तक वे वहीं पर रहें। हालांकि उनके आने जाने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन होटल के बाहर शिवसैनिकों का जमावड़ा है और इन तमाम विधायकों पर जो है शिवसैनिकों की नज़र है। शिवसेना को ऐसी आशंका है कि बीजेपी आंकड़े जुटाने के लिए इनको इनमें सेंधमारी कर सकती है। कर्नाटक और गोवा का एक्सपीरियंस शिवसेना के सामने है और कहीं उसी तरह का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में भी बीजेपी ना चला दे, इसलिए शिवसेना ये तमाम एहतियात बरत रही है। एक और अहम जानकारी है, वो ये है कि नितिन गडकरी आज मुंबई आ रहे हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो शिवसेना के नेताओं से मिलेंगे, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते 4-5 दिनों से ये चर्चा चल रही थी। चूंकि नितिन गडकरी शिवसेना की गुड बुक्स में हैं, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करे शिवसेना को मनाने के लिए, इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे में किसी तरह की मुलाकात होगी।
जी जितेंद्र, आपने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, सेंधमारी का डर भी उन्हें सता रहा है, पार्टी में टूट का डर भी है, यही वजह है कि विधायकों को भी एक जगह रखा हुआ है। आप जैसा कि जितेंद्र कह रहे थे ज्योति, एक विकल्प यह हो सकता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाए, निगाहें अब गवर्नर की तरफ है, देखना है कि सरकार बनती है या फिर। और ये भी हो सकता है कि वो बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दे और फिर आपको एक तय सीमा दे दी जाएगी, आप उसमें अपना बहुमत जुटा सकते हैं।